दोस्तों, इस वक्त मैं पटना के हिस्टोरिक गांधी मैदान जो है उसी के पास में शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ का जो भवन है उसी की छत पे हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पे दूसरा जन लेखक संघ बिहार चैप्टर का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हुआ, जिसमें नेपाल, हिंदुस्तान और भारत के भी विभिन्न राज्यों से लेखक कवि आए, अपनी बातों को उन्होंने यहाँ पे रखी और कविता का भी पाठ हुआ। और पूरे प्रोग्राम को सुनने के बाद जो जो मैसेज यहाँ से गया है वो ये गया है कि बहुजनों को साहित्य के क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप करना होगा। इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने में और बहुजन एकता को साहित्य के माध्यम से बनाने में हमारे साथ जो अभी महेंद्र नारायण पंकज जी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं और इनकी ही कोशिश की वजह से आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम सफल रहा। तो हम महेंद्र नारायण पंकज जी से, जिनको शिक्षा के लिए कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, बहुजन आंदोलन खासकर साहित्य में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसको आगे बढ़ाने में, हम इन्हीं प्रश्नों पर, इन्हीं सारे सवालों को लेके आज पंकज जी से सवाल करें। बिहार में हर साल ऐसे आयोजन होते हैं और पूरे देश में 18 राज्यों में इसकी इकाई है और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो लेखक हैं उसको गौरवान्वित किया जा रहा है ताकि बहुजन आंदोलन को, बहुजन समाज को जगाया जाए, तेज किया जाए। अच्छा सर, या बहुत सारे लोग जो हैं जो आपके संगठन को नहीं जानते हैं या इससे जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रा आप एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए कि ये जन लेखक संघ जो है वो कैसे आया सामने और इसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या विचारधारा थी और कहाँ तक ये आंदोलन सफल रहा है। मैं 4 साल जनवादी लेखक संघ में रहा, 11 साल प्रगतिशील लेखक संघ में रहा। वहाँ घोर जातिवाद, मनवादी विचार के लोगों ने पैदा किया। फ्रस्ट्रेट होके हम 10 जनवरी 2016 को दिल्ली में 12-13 राज्यों के बहुजन लेखकों को बुलाकर पहली बार राष्ट्रीय संगठन बनाए, जो जनवादी लेखक संघ प्रगतिशील लेखक संघ के पैरेलल खड़ा है। और विभिन्न पत्रिकाओं के द्वारा हम मनवाद और ब्रह्मवाद पर चोट करते हैं और जो वो खाई है, हमारा नारा है संगठन का, स्वतंत्रता, समता, जनहित लेखन, बाबा साहब का दिया हुआ जो असूल है उसी असूल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और भेदभाव मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना में सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि जो जनवादी लेखक संघ है या जो प्रगतिशील लेखक संघ है उससे आपका बहुत दिनों तक उसके आप उससे जुड़े रहे, लेकिन उसमें घोर जातिवाद है। अब देखिए, जो वामपंथी जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो कमज़ोर तबका है, जो मजलूम तबका है उसकी आवाज़ वो लोग हैं, तो कैसे कोई अपने आप को मजलूमों की आवाज़ भी कह सकता है और उसके साथ साथ मनुवादी और जातिवादी भी हो सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। मैं मार्क्सवाद पढ़ा था, उसके बाद जब अम्बेडकरवाद पढ़ा तो पता चला मुझे कि बाबा साहब का कहना ठीक है, भारत में वर्ण व्यवस्था व्यवस्था को तोड़े बिना हम कम्युनिज्म या समानता या समाजवाद नहीं ला सकते हैं या साम्यवाद नहीं ला सकते हैं। तो हमको बहुत प्रभावित किया, उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी और उनके बताए रास्ते पर संगठन को आगे ले जा रहे हैं। और इस संगठन में जो बहुजन लेखक वे ही इसके सदस्य होते हैं, बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन भी मिला हुआ है संगठन को। क्यों आप तकलीफ में, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया फ्रस्ट्रेट होके, प्रगतिशील लेखक संघ को मैंने छोड़ दिया, तो क्या करते हैं वो लोग? वहाँ ब्रह्मवादी सभी संस्कार मौजूद हैं साहित्य में, इसलिए उसको ब्रह्मवादी साहित्य कहा जाता है। और बहुजन का
साहित्य बहुजन साहित्य कहलाता है, और इसीलिए वहाँ भेदभाव है, वहाँ जातिवाद है, और आपस में भाईचारा जो बाबा साहब कहते थे उस संगठन में भी भाईचारा नहीं है, तो उससे लोग धीरे धीरे कट रहे हैं और बहुजन आंदोलन से लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है आंदोलन और पूरे देश को झकझोरा है, पूरे देश के बुद्धिजीवियों को, आम लोगों को, साहित्य गांव की ओर कार्यक्रम लोग चलाते हैं जिसमें गांव में 4-5 हज़ार आदमी को बुलाकर बहुजन साहित्य और बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ भी है वहाँ पर भी क्या इस तरह का कास्ट नेटवर्क का इस्तेमाल होता है और उसके टॉप पोजीशंस पे वही लोग पहुँच सकते हैं जो सवर्ण तबके से आते हैं, क्या इस तरह की प्रवृत्ति वहाँ भी है? सब कम्युनिस्ट पार्टी में वही बात है, इंडिया में ब्राह्मण लोग उसके हेड हो जाते हैं, महासचिव हो जाते हैं, और वो मनवादी विचार से पार्टी को चलाना चाहते हैं, जिससे लेखक संगठन भी उसका प्रभावित रहे बिना नहीं रह जा सकता। प्रगतिशील लेखक संघ बिहार का लखीसराय में राष्ट्र सम्मेलन था, तो वहाँ पिछड़े दलितों को कविता पाठ करने नहीं दिया गया और हम लोग वहाँ से निकल गए। क्यों नहीं किया गया, क्या बोले उन लोगों ने? उन लोगों ने बोला तो कुछ नहीं, लोग अपने लोगों को कविता पाठ करते रहे और हमारे लोग वंचित होते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रगतिशील प्रगतिशीलता और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी वो दिखाने के लिए करते हैं, और जब मंच पे जब मौका देने की बात आती है तो वहाँ पे सवर्ण लेखकों को ही मौका देते हैं, और वंचित तबके के जो लेखक या कवि है वो बिल्कुल हाशिए पे उनको वो रह जाते हैं और उनको कोई मौका भी नहीं मिलता है, इस तरह का ये भेदभाव है। भेदभाव बाबा साहब ने कहा जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी भेदभाव को कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी पार्टियाँ कोई भी कम्युनिस्ट पार्टियाँ नहीं मिटा सकती, इसलिए वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए, जातिवाद को तोड़ना चाहिए, तब हम समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं और साहित्य गांव में समाज में समता ला सकते हैं और भेदभाव दूर हो सकता है। बहुजन साहित्य को भी लेके हिंदी लिटरेचर में जो है बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। बहुजन साहित्य एक बड़ी छतरी है, इस छतरी छाते के नीचे स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, उसके बाद अल्पसंख्यक विमर्श है, तो सभी विमर्श इसमें आते हैं, और मूल रूप से संगठन या इसका जो संविधान है इस बात को मानता है कि हम बिना लड़े 85% सत्ता पा नहीं सकते हैं, अगर सत्ता नहीं पाएंगे तो हम लोग इसी तरह से मारे जाएंगे, हम लोग इसी तरह से बेरोजगार रहेंगे, दवा के बिना मरेंगे, रहने के लिए घर नहीं होगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि बहुजन आंदोलन को बढ़ाया जाए और जनता को जगाया जाए ताकि वो अपने हक के लिए सड़क पर उतरे। नहीं, मेरा सवाल ये था क्या बहुजन साहित्य होता है, उसका सौंदर्य शास्त्र क्या होना चाहिए? सही माने में बहुजन साहित्य जो है वही असली साहित्य और असली सबसे भूख से असुंदर दुनिया में कुछ नहीं है, 85% ही भूखा नंगा बेघर है, तो इसीलिए इसकी मूल चिंता में है कि जो चिंता प्रगतिशील लेखक सबको संघ आदि में नहीं है, जहाँ पर भेदभाव है, तो हम उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, लेखन के दौरान आंदोलन चला रहे हैं, और दो धाराएं हैं आलोचना की, एक
एक ब्राह्मणवादी धारा आलोचना की, एक बहुजन साहित्य की धारा। बहुजन साहित्य में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि के दुख दर्द लिखे जाते हैं और उसको जगाने का काम किया जाता है। अच्छा, एक सवाल और भी होता है साहित्य में अनुभूति को लेके और सहानुभूति को लेके। आपको क्या लगता है कि जो लोग सवर्ण तबके से हैं, क्या उनको भी उतना ही अधिकार होना चाहिए? क्या उनकी लेखनी को भी उतना ही संजीदगी से पढ़ना चाहिए अगर वो वंचित के बारे में लिखें, या वंचित का साहित्य सिर्फ वंचित ही लिखेगा? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना है जो भूखा है उसी को अन्न की ज़रूरत है, और पहले प्रेमचंद से पहले साहित्य कोठरी में बंद था, और प्रेमचंद ने पहली बार कोठरी से बाहर के आम लोगों के बीच स्थापित किया ताकि आम लोगों की बेहतरी को के लिए जनता को जगाया जा सके। और जो भूख से बड़ा और सौंदर्य दुनिया में कुछ नहीं है, तो हमारा सौंदर्य साथ भूख के खिलाफ है। हमारा सौंदर्य साथ भूख मिटाने के पक्ष में है। हमारा सौंदर्य साथ समानता के लिए, हमारा सौंदर्य साथ हमारा समानता के पक्ष में है। हम जनहित लेखन हमारा न रहा है तो हम इस उद्देश्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं ताकि समाज में जो भ्रांति है, समाज में जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, मानसिक रूप से जो पाखंडी और बीमार है, उसको दुरुस्त किया जा सके। अच्छा, तो अगर मैं इसी सवाल को दूसरे अंदाज में अगर पूछूं, तो क्या बहुजन साहित्य लिखने के लिए आपको लगता आप मानते हैं कि उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि लेखक भी बहुजन हो? बहुजन इसलिए होना चाहिए, दलित इसलिए होना चाहिए, आदिवासी इसलिए होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पीड़ा है इससे इतर लोग उस पीड़ा को अनुभव नहीं करते हैं। बनावटी अनुभव के आधार पर कोठी में बैठ के किताबें कहानियाँ लिखा करते हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है जूठल, अब इतनी कहानी है तो वो हमें बहुत स्पर्श करती है और लोगों को उद्वेलित करती है कुछ करने के लिए। उनकी एक कविता है ठाकुर का कुआं, हलवल ठाकुर का, खेत कल्याण ठाकुर का, और हलवल ठाकुर का और हम भी ठाकुर के। तो इसी बात को लेके हम लोगों का ये लेखन आंदोलन है। और सुंदर शास्त्र के बारे में मेरा यही कहना है, वो वहाँ विलासता का सुंदर शास्त्र है, यहाँ भूख के खिलाफ सुंदर शास्त्र, भूख मिटाने के पक्ष में सुंदर शास्त्र है। तो जो बहुजन है, दलित है, पिछड़ा अल्पसंख्यक है, जो भोग रहा अपने दुख दर्द को, उससे बढ़िया इस तरह आदमी नहीं लिख सकते। दूसरे जो लेखक हैं जिनका ताल्लुक सवर्ण समाज से रहा है और उन्होंने वंचितों के बारे में भी लिखा है और बहुत कुछ भी उन्होंने लिखा है, तो क्या उनकी लेखनी को भी हम बनावटी लेखन लेखनी माने? नहीं, प्रेमचंद जिस समय थे वो मदरसा में पढ़े थे, लाल बहादुर साहब मदरसा में पढ़े, राजेंद्र बाबू मदरसा में पढ़े, ये सब कैश थे। कैश को हिंदू समाज में शूद्र माना जाता है। जब रामचंद्र सिंह ने पूछा, कहा तेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो प्रेमचंद ने कहा, लिखा कि अरे किस धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म तो हमारी जड़ें उखाड़ करके रख दिया है, यहाँ तक कि उन लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। तो इसका मतलब है कि आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग भी अगर ईमानदार हों तो बहुजनों के बारे में लिख सकते हैं? नहीं, मेरा तो 100% विश्वास नहीं है, कितना भी ईमानदार हो जाए तो अपना संस्कार जो हजारों वर्ष का है उसको वह नहीं छोड़ सकता है। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, असंभव है, और वो व्यवहार में कभी उतरने वाला, जनपक्ष के व्यवहार में उतरने वाला, जनता के
इसमें उतारने वाला लेखन नहीं होता। अच्छा, नौजवान जो हमारे दोस्त हैं, जो नौजवान लोग हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए बहुजन साहित्य को समझने के लिए, बहुजन समाज की जो पीड़ा है जिसमें भूख शामिल है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई शामिल है, उनके लिए कौन कौन सा लिटरेचर, कौन कौन से लेखकों को पढ़ना चाहिए, ये जरा बता दें। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, उसके बाद ये डॉक्टर हिंदी संस्थान के अध्यक्ष थे, क्या नाम है, तो वो लिखे हैं, रेणु हैं, जलसो जयसवाल है, उसके बाद वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और दलित प्रोफेसर है, तो ये सारे जो किताब लिखे हैं, मैं तो उनका आत्मकथा पढ़ के तो दंग रह गया, आम आदमी में छपा था, तो इस व्यथा को दूसरा आदमी नहीं लिख सकता है, और इसीलिए हमको अपना दुख दर्द लिखने का अधिकार होना चाहिए, बाबा साहब ने संविधान में दिया है। दोस्तों, महेंद्र नारायण पंकज जी और इनका जो संगठन है जिसके ये महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इनके इनका जो संगठन है इसके इन, इस, इस, ये एक पत्रिका भी लाता है सर, जन आकांक्षा साल में एक बार निकालते हैं। हाँ। संगठन के जितने लिखने वाले लोग हैं वो उसमें छपते हैं, बहुजन साहित्य को समझने के लिए आर्टिकल उसमें छपा जाता है, ताकि व्यापक रूप से बहुजन समाज को, बहुजन साहित्य को छात्र नौजवान किसान मजदूर उसको समझ सके। अच्छा, अगर आपके साथ कोई इंसान, कोई बहुजन बिहार के किसी गांव में हो, या दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, झारखंड में हो, तो कैसे आपके संगठन के साथ संपर्क किया जा सकता है, ये बता दिया आसान शब्द में। वो तो हर राज्य में हमारी इकाई है, चार राज्यों का, तो मैं खुद जाके राज सम्मेलन किया था, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तो इसके इतर 18 राज्यों में इसके समर्थक लोग हैं, ये वहाँ काम चल रहा है और ब्रह्मवाद को धक्का दे रहा है, ब्रह्मवाद मनुवाद को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, पत्रिका के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और लोगों के दिमाग को बदलने के लिए पत्रिका एक हथियार है, इसलिए संगठन की एक पत्रिका निकलती है जन आकांक्षा, जिसको कोई नहीं छापता है, उस वंचित समाज के लोगों को हम छापते हैं, जनता तक ले जाते हैं, और लोग उसे पढ़ के उस प्रेरित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। दोस्तों, आपने अभी सुना महेंद्र नारायण पंकज जी को, जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्हों इनकी जो दो बातें जो हैं वो काफ़ी अहम है, मैंने जो इनके अनुभव से यही सीखा कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है, या जो तथाकथित बहुत सारे वामपंथी या संगठन है, वहाँ पे कास्ट के सवाल को, जाति के सवाल को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, और इसी के आक्रोश में बहुजन साहित्य को खड़ा करने के लिए पंकज जी ने बहुत कोशिश की। आप भी इनके आंदोलन से जुड़िए, और आज का कार्यक्रम दिखाता है कि बहुजन जो है जाग रहा है, और जो पीड़ित है उसी को अपने दर्द को सामने लाना होगा और न्याय के लिए लड़ना होगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।